का चुनाव हुआ यूपी में, वहां निकाय का चुनाव हुआ, 16 मेयर वहां पर बने हैं, 16 मेयर में से 130 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस का एक भी मेयर जीत कर नहीं आया, अखिलेश जी का एक भी मेयर जीत करके नहीं आया। जहां बैठ पत्र से चुनाव हुआ है सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत कर आई, जहां ईवीएम में चुनाव हुआ है मशीन से हुआ है वहां बीजेपी जीत करके आई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता ने 2 मेयर हमने जीतने का काम किया, 165 चेयरमैन भी हमने जीतने का काम किया, बहुत सारे मेंबर हमारे जीत कर आए। मीडिया वाले बंधु मेरे पास यहाँ आए, मीडिया वाले लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में अभी शहरों का इलेक्शन हुआ है, शहर का गांव में हाथी किसी को टिकने नहीं देगा, अभी तो शहर का इलेक्शन है। जब शहर में भी आकर के हाथी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, शहर में भी आकर के बहुजन समाज पार्टी जीत गई है, अब गांव में जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा, आने वाले समय में यूपी में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन साथियों, बहन जी ने क्या कहा है, बहन मायावती जी ने क्या कहा है, यूपी का बदला लेना है, कहां से लेना है, हरियाणा से लेना, हरियाणा से यूपी का बदला लेना है, हरियाणा से लेना है। इसलिए हम हरियाणा प्रदेश के सभी विधानसभा में जाएंगे, सभी गांव में जाएंगे, हमने अपनी फौज तैयार करनी है, अपने सैनिक तैयार करने हैं, अपने वर्कर तैयार करने हैं, बड़ी संख्या में अपना संगठन मजबूत करके और फिर लड़ना है। हमारा वोट 100 में से 85 है, हमारा वोट 100 में से 85 है, 15% जो बड़े बड़े दरबारे हैं अमीर हैं वो 15% हैं, गरीब इस देश में 85% है, गरीब 85 है, अमीर 15 है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट दिया, तब इस देश के मनुवादी लोगों ने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको वोट दिया है, इनका वोट 85 है, ये वोट से तो हमें हरा देंगे, ये वोट से तो नहीं हमें जीतने देंगे, ये ईवीएम जो शुरू किया गया है ये हमारे वोट को धोखा करने के लिए किया गया है। ईवीएम अमेरिका ने ईवीएम बनाया, कनाडा ने बनाया, अमेरिका कनाडा जापान बहुत सारे कंट्री जिन्होंने मशीन को बनाने का काम किया, जब अमेरिका में चुनाव पेन पेपर से होता है, कनाडा में होता है, जापान में होता है, इंडिया में भी पेन पेपर से चुनाव होना चाहिए, हमारा आंदोलन जारी हो गया है। इस देश में पेन पेपर से चुनाव होगा तब हमें कोई नहीं हरा सकेगा, जब अमेरिका मशीन को बंद कर सकता है, जापान बंद कर सकता है, कनाडा वाले बंद कर सकते हैं, इंडिया में भी बंद करवा के रहेंगे हम कि हमें ईवीएम को बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो। ये आंदोलन हमारा पूरे देश में शुरू हो चुका है, पूरे देश के दौरे पर माननीय बहन जी निकले हैं, पूरे देश का दौरा बहन जी ने शुरू कर दिया है।